This video is made for medical student as a part of their syllabus we do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner the information provided here is adopted from the product we used our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification note self medication is always hazardous do not again do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner hello friend welcome to the channel pharmacy आज जिस प्रोडक्ट को मैं लेकर के आया हूँ आपके साथ बातचीत में डिस्कस करने के लिए यह प्रोडक्ट है आपका कैनिस्टीन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ब्रांड नेम के बारे में आप शायद ना जानते हों या शायद इस ब्रांड नेम के प्रोडक्ट को यूज़ ना किए हूँ लेकिन इसका जो एक मेन इंग्रेडिएंट है एक्टिव कॉन्स्टिटुंट है कह लीजिए इसके बारे में आप जानते हैं और इसके किसी दूसरे फॉर्म में चाहे वो आपका क्रीम हो या कोई और प्रोडक्ट हो उसको आपने यूज़ किया है सो आज का जो प्रोडक्ट है कैनिस्टीन जिसे बेयर जाइडस फार्मा ने प्रिपेयर किया हुआ है इसका एक्टिव कॉन्स्टिटुन मेन इंग्रेडिएंट है कोट्राइमाजोल टॉपिकल सॉल्यूशन यूएसपी ये पूरी लंबी चौड़ी कहानी है इंग्रेडिएंट केवल कोट्राइमाजोल है ये अब चीज़ों को बात करने का समय है ये जो कोट्राइमाजोल है वो है क्या ये एक बेसिकली एजोल कैटेगरी का एंटीफंगल ड्रग है ये एजोल कैटेगरी का एंटीफंगल ड्रग क्या होता है कैसे काम करते हैं इसका मैं स्पेसिफिक एनिमेशन वाला प्रेजेंटेशन ऑलरेडी आपके मेन चैनल जो सोशल फार्मसी है उस पर अपलोड कर चुका हूँ लेकिन यहाँ पर मैं उनके इमेज को दोबारा से ऐड कर दूंगा सो को इज अ स्पेसिफिक एंड यूजफुल एंटीफंगल ड्रग ये जो टॉपिकल सॉल्यूशन है इसका क्या मतलब है ये इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं टॉपिकल मतलब आपके स्किन पे चूंकि ये सॉल्यूशन है ये क्रीम नहीं है एक प्रकार से कह लीजिए ड्रॉप जैसा सब्सटेंस है और इसको बनाने के लिए जिस फार्माकोपिया की मदद ली गई है वह है यूएसपी यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इसके हिसाब से इसको बनाया गया है इसका जो नेट कंटेंट है वो थर्टी एमएल है यानी कि लिक्विड होगा तभी वह एमएल में यूज़ किया गया है अब मैं कुछ बेसिक बेसिक बात करता हूँ फिर डिटेल से थोड़ा अगले साइड में करेंगे ये जो आपका केनेस्टीन लिक्विड है सॉल्यूशन है टॉपिकल ये किस किस पर्पस के लिए यूज करते हैं अगर आपके स्किन में कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, दाँत खाद खुजली हो गई है और अगर आपके नाखूनों में चाहे ये नाखून आपके हाथ के हों चाहे पैर के हों किनारे किनारे अक्सर आप देखते हैं कि थोड़ी सी गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं थोड़ी गैपिंग हो जाती है और थोड़े नाखून सड़ने लगते हैं इन गैपिंग में पानी आराम से मूव कर सकता है अगर आप हाउस वाइफ हैं महिलाएं हैं जो या फिर कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो जिनका कांटेक्ट पानी से ज़्यादातर लंबे समय तक रहता है तो ये जो पानी है वो उन अंगूठों के उंगलियों में पाया जाने वाले गैप के थ्रू अंदर पहुंचता है और वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है अगर आप एथलीट हैं तो एथलीट के फूड में भी प्रॉब्लम हो सकती है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने वाले जहाँ पर स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है और उसी कारण से आपके उस पर्टिकुलर पार्ट पर फंगल इन्फेक्शन हो गया हो तो इसे आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें दिखने में भले ही ये ड्रॉप जैसा हो लेकिन दिस इज नॉट अ आई और ईयर ड्रॉप तो इसको बिल्कुल भी यूज ना करें केवल टॉपिकली आपको अप्लाई करना है स्किन पे और अगर अच्छा होगा कि आप अपने डॉक्टर से एक बार डिस्कस भी कर लें और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण वार्निंग भी दी गई है दिस इज फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली ना इसको ड्रिंक करना है ना इसको ओरल कैविटी पे डालना है ना किसी प्रकार का नेजल कैविटी ना ही ऑक्यूलर पे आंखों में ना ही आपके ईयर पे इसको यूज करना है तो ये बनाया किसने है किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है दिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बेयर फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके मार्केटिंग के लिए भी इन्हीं एक सिस्टर कंसर्न है दैट इज बेयर जाइडस फार्मा प्राइवेट लिमिटेड और ये उनके कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है अक्सर आपने ये चीजें देखी होंगी लेकिन शायद कुछ लोगों को छोड़कर के बाकी लोगों ने इसको यूज नहीं किया होगा अगर वो ड्रग आई ड्रॉप भी होता मैं इसकी बात नहीं कर रहा मैं एक ड्रॉप की बात कर रहा हूं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं तो भी कुछ में ये चीजें देखी गई हैं जब आप कैप को खोलेंगे इसके तो इसके कैप के ऊपर में आपको एक स्पाइक दिख रहा है एक छोटे से कांटे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है नुकीला हिस्सा दिख रहा है तो अगर मैं इसके बॉटल में प्रेजेंट जो आपका ओरिफाइसिस है इसमें से ड्रॉप को बाहर निकालना चाहता हूँ तो हम लोग जनरली पिन से इसको पिनअप करके प्रिक करते हैं ताकि अंदर के लिक्विड को बाहर निकाला जा सके बट इस पर आप देख सकते हैं कैप पे एक छोटा सा स्पाइक है जिसको हमको टाइटली टाइट करेंगे अगर हम कैप को इस नोजल पे तो ये प्रिक हो जाएगा और इसके प्रिक होने की वजह से स्टेलिटी इसकी मेंटेन रहेगी और आप यहाँ पर ड्रॉप जितना भी आवश्यकता है उतना पोर आउट कर सकते हो उस अफेक्टेड एरिया पर इसके लगाने का भी टेक्निक है काफ़ी सारे लोग किस तरह के एंटीफंगल क्रीम को यूज़ करते हैं ऑइंटमेंट को यूज़ करते हैं इवन टॉपिकल सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं लेकिन उनमें सही इफेक्ट कई बार देखने को नहीं मिलता तो उसका कारण क्या है एप्लीकेशन का मेथड भी आपके इफेक्ट को चेंज कर सकता है अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्ट पे ये क्रीम या तो ऑइंटमेंट या तो ये जो टॉपिकल सॉल्यूशन है ये अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले उस एरिया को अच्छे से वॉश करिए अगर पॉसिबल है अगर आपके पास अफोर्डेबल है तो पी न्यूट्रल जो वॉशेबल सब्सटेंस आते हैं उनको आप यूज़ करके वॉश करिएगा साबुन ज़्यादा यूज ना करें उस पर्टिकुलर पार्ट पर जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसको वॉश करने के बाद अच्छे से कपड़े में टॉवल में साफ कर लें सुखा लें उसके बाद फ्राई होने के बाद इस तरह के क्रीम को या तो इस तरह के टॉपिकल सोल्यूशन को वहाँ पर अप्लाई करके थोड़ी देर अच्छे से रहने दें उसके बाद एक हल्का सा महीन सा कॉटन के फैब्रिक के ऊपर आप चाहें तो कवर कर सकते हैं अदरवाइज इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी ये एक सही तरीका होता है अब इसके कंटेंट के बारे में तो ऑलरेडी इसका जो बॉक्स है वो बता रहा है फिर भी देख लेते हैं ईच एमएल कंटेंट ये थर्टी एम एल है थर्टी एम एल में से हर एक एम एल कंटेंट करता है कोट रामाजोल को और ये जो कोट रामाजोल है वह इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली यूज किया गया है इसकी जो क्वांटिटी है वो टेन एम जी है अब यहाँ पे देखिए टोटल कंटेंट है थर्टी एम एल कोटरामाजोल है टेन एम जी दैट इज रिप्रेजेंटेडिंग फॉर द सॉलिड सब्सटेंस जो कि एम जी में है और ये लिक्विड में है सो so, इस टेन एम जी को एक स्पेसिफिक नॉन एक्वस बेस जिसको हम लोग सोलवेंट बोलते हैं इनको हम लोग व्हीकल भी बोलते हैं इनमें डिजोल्व करते हैं तो सॉलिड जो कि आगे जाकर के लिक्विड में डिजोल्व हो जाएगा तो फाइनली हमारे पास सॉल्यूशन ही तो बनेगा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन ये सिंपल सा फंडा है सो इसको प्रिजर्व करना है आपको कंटेनर को टाइट अच्छे से रखना है और टेम्परेचर को मेंटेन करना है दो से तीस डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बस टू नॉट फ्रिज इट इसको फ्रिज नहीं करिए और बच्चों के पहुँचे तो इसको बिल्कुल भी दूर रखें महत्वपूर्ण चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं दिखने में आपको ये आई या एयर ड्रॉप लग सकते हैं बट ये नहीं है इसलिए बी केयरफुल जो अनजान व्यक्ति हैं उनके पहुंच से इसको दूर रखिएगा ये वीडियो जो है बेसिकली हमारा मकसद फार्मेसी या मेडिकल स्टूडेंट को एक बेसिक इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करना है जनरल पब्लिक इसे अगर आप देख सकते हैं तो अपने नॉलेज के पर्पज़ से देखिए जहां पर आपके लिए ज़रूरी हो वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करके यूज़ चलिए आगे बढ़ते हैं तो इसका मैकेनिज्म मैं आपको बस रफली समझाता हूं बाकी डिटेल पे हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है मेन चैनल सोशल फार्मेसी जितने भी ड्रग हैं उनके अलग अलग तरीके होते हैं काम करने के मेन मेन तरीका क्या क्या होता है ऐसे एंटीफंगल ड्रग जो कि न्यूक्लियस पे काम करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं अलग अलग कटेगरी इस कैटेगरी का स्पेसिफिक टेबल आपको दिखाऊंगा भी और कुछ एंटीफंगल ड्रग सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करते हैं फंगल के कुछ होते हैं वो उनके लेंसोस्ट्रॉल के सिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं कुछ सेल वॉल को अफेक्ट करते हैं और हमारा जो अभी का प्रोडक्ट है एजोल जिसके हमने बात किया था ना आपका ये एजोल कैटेगरी का, का ड्रग है वो एर्गेस्टॉल के सिंथेसिस को अफेक्ट करता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है फंगल के सिंथेसिस के लिए सेल वॉल के सिंथेसिस के लिए सो इसके अलावा और भी ड्रग है जो कोलिन फॉर्म पोर फॉर्म को करते हैं जिसकी वजह से लीकेज हो जाता है और कुछ सेल वॉल के सिंथेसिस को भी इनिबिट करते हैं अगला जो है हमारा टेबल या डायग्राम कह लीजिए फ्लो चार्ट के फॉर्म में ये स्पेसिफिक